अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुकिंग सीक्रेट्स ऑनलाइन जी तो व्यूअर्स आज मैं आपको चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाने के दो इजी और सिंपल मेथड्स बताऊंगी तो चलिए हम इसका सबसे पहला मेथड देखते हैं ये विदाउट ओवन है और विद चीज़ फिलिंग है एक बोल में आप एक टेबल स्पून मखन ले लें उसमें फिर आप एक टी स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इनको आप मिक्स कर लें उसके बाद आप इसमें चुटकी भर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें और फिर पार्सले लीव्स ऑरिगेनो नमक और काली मिर्च का पाउडर इस पर छिड़क दें इनको फिर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ये देखें अब ये हमारी पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है इसको आप इवनली ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड कर दें तरह उसके बाद आप फ्राइंग पैन को गरम कर लें और उस पर आप ब्रेड स्लाइस को गरम होने के लिए रख दें अब आप इसके ऊपर जो श्रेडेड चीज़ है उसकी एक थिक सी लेयर लगा दें एक और ब्रेड स्लाइस पर आप बटर और गार्लिक का मिक्सचर लगाएं और इसको भी आप इसके ऊपर रख दें अब आप दोनों साइड्स को अच्छी तरह से रेड कर लें ये देखें इनको आपने रेड करना है इतनी देर तक कि जब तक ये चीज़ अंदर अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इसको कवर भी करके कर रख सकते हैं ये देखें दो से तीन मिनट कवर करने के बाद आप देखें चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी होगी जी ये देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है अब आप इसको डिश आउट कर लें ये देखें इसको फिर अब आप मिडल से कट कर लें चीज़ की फिलिंग से ये गार्लिक ब्रेड बहुत ही मज़ेदार हो जाती है जी ये देखें ये हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है चलें अब हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से कट कर लें किसी भी शेप में उसके बाद आप इन पर बटर और गार्लिक का जो मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो आप इवनली स्प्रेड कर दें ये देखें फिर आप इनको बेकिंग ट्रे पर जोड़ दें और इनके ऊपर आप श्रेडेड चीज की जो है वो एक थिक सी लेयर लगा दें इनको अब आप 180 डिग्रीज पर प्री हीटेड ओवन में 10 टू 15 मिनट्स के लिए बेक कर लें ये देखें ये हमारी मज़ेदार गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़